गया। पुलिस ने टेस्ट ड्राइव के नाम पर कार मंगवाकर लूटने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्रेटा एक्स कार लूटने वाले अपराधियों को घटना के 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। गया के सिटी एसएसपी हिमांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शंकर यादव लुमनी हुंडई शोरूम में कार खरीदने आए थे। उन्होंने क्रेटा एक्स पसंद किया लेकिन कार पसंद कर वो अपने घर चले गए और अगले दिन फोन कर शोरूम वालों को बताया कि उनकी भाभी सरकारी टीचर है, वह नहीं आ सकती, आप गाड़ी लेकर सर्वदा चले आई और यही टेस्ट ड्राइव किया जाएगा। इस पर शोरूम के कर्मी अपने ड्राइवर के साथ सर्वदा के लिए निकले। जैसे वो बलुआ खेड़ा मोड़ पहुंचे वहां पहले से ही शंकर यादव अपने 4 से 5 आदमियों के साथ खड़े दिखे। यही नहीं, इस बीच बुलेट पर सवार 2 आदमी आए और कार के आगे बुलेट खड़ी कर कार को रोक लिया और पिस्तौल दिखाकर लूट। एक लुम्बिनी हुंडई जो जहानाबाद में शोरूम है वहाँ के मालिक का फोन आया कि इनके गाड़ी जो है क्रेटा गाड़ी, किसी ने बोला कि टेस्ट ड्राइव हमें करना है गाड़ी का और हमें सर्वदा ओपी में स्थित एक स्थान पे ले आइए और हम वहीं पे पसंद करेंगे। और इसी जब उनकी गाड़ी वहाँ पे गई तो हथियार के बल पे उनकी गाड़ी को लूट लिया गया। तो जैसे इस घटना की सूचना हमें मिली, पुलिस को मिली, तो एक टीम का गठन तुरंत किया गया नीमटेक बथानी SDPO के नेतृत्व में और सर्वदा ओपी के थाना अध्यक्ष थे और भी जो नीमटेक बथानी में जो अतरी थाना उनके थाना अध्यक्ष थे और इंटेलिजेंस बेस्ड मोबाइल चेकिंग लगाया गया हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा। और तकरीबन 6 घंटे के अंदर हमने इस क्रेटा गाड़ी को बरामद किया और हमें ये भी सूचना मिली थी कि जो क्रेटा गाड़ी जो लूटा गया था उसको लूटने में बुलेट मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया था और 7-8 लोग की संख्या में लोग थे, तो उसमें हम लोग बुलेट मोटरसाइकिल था उसको भी हम लोग बरामद किए हैं। और लूट के क्रम में जो 2 अपराधकर्मी थे उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो अपराधकर्मी थे उनका नाम शंकर कुमार है जो अतरी थाना के ही रहने वाले हैं और दूसरे का नाम दिवाकर कुमार है। इन दोनों का एक गिरोह है और उन गिरोह का भी हम लोग पता लगा रहे हैं, हमारी टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है इसको पकड़ने के लिए। जो कांड संख्या जो रजिस्टर हुआ वो 258-23 है और इसमें हम लोग 395 जो कि डकैती का धारा है उसको हम लोगों ने प्रयोग किया है। ये जो शंकर कुमार एक गिरोह चलाता है जो ठग एवं लूट का गिरोह है, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है जो प्रॉपर्टी क्राइम हमेशा करता है और इसी के लिए इसका हम लोग आपराधिक इतिहास भी पता कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमें 2 अभी आपराधिक इतिहास के मिले हैं, बाकी भी हम लोग और भी जिलों से और थानों से हाक डाक के माध्यम से हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो आपराधिक इतिहास रहा है वो रजौली थाना में कांड संख्या 255-21 रहा है, जहाँ पे जो केस जिसमें धारा 419, 420, 469, 468, 120B, 399 एवं 402 IPC के तहत बुक हुआ और एक अतरी थाना में 438-23 केस नंबर दर्ज है इसी के नाम पे जो 406, 420 की धारा है। तो इसी प्रकार महज 6 घंटे में गया पुलिस के द्वारा हम लोग एक डकैती का उद्भेदन हुआ, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और अन्य अपराधियों की पहचान करते हुए छापेमारी भी की जा रही है और जो गाड़ी मोबाइल और जो बुलेट था यूज़ किया गया था डकैती करने में उसको भी हम लोग बरामद किए।